व्यापक स्तर पर स्थापित लेखक श्री ईश्वर चंद्र नायक, जो उड़ीसा राज्य के कानपुर गांव जिला पुरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक है। गुरु दिवस अवसर रे गुरु मानको राष्ट्रीय सम्मान रे सम्मानित कले राष्ट्रपति। सम्मानित शिक्षक मानक सह प्रधानमंत्री वार्तालाप। ओडिशा रु सम्मानित हेले शिक्षक ईश्वर चंद्र नायक। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से अपने देश के शिक्षक समुदाय को नमन करती हूँ। भारतीय संस्कृति रे शिक्षक माने सबुबले पूजनीय। शिक्षा दान रे निष्ठा रखुतिबा जने शिक्षक निज जीवन रे जेपरि सार्थकता अनुभव करिथाय तार कोनसी तुलना नाही। देशर कृति शिक्षकंकु राष्ट्रीय सम्मान रे सम्मानित करिबा अवसर रे एहा कहिचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। शिक्षा क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान पई पुरस्कृत शिक्षक मानंकु उद्बोधन देबा अवसर रे निज शिक्षक जीवन संपर्क रे मने पकाइबा सहित शिक्षा किपरि तांको जीवन को बदलाई पारिछि से स्मृति मने पकाइथिले राष्ट्रपति। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है, जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। जदि स्कूल शिक्षा सब शिक्षार मूलदुआ, स्कूल स्तर शिक्षा मजबूत नहले उच्च शिक्षा मजबूत हो पारिबनि। विज्ञान साहित्य किंबा सामाजिक शास्त्र रे मौलिक प्रतिभार विकास मातृभाषा माध्यम रे शिक्षादान द्वारा अधिक प्रभावी हो पारिबो बोली प्रकाश करिबा सहित नूतन शिक्षा नीतिर प्रशंसा करथिले राष्ट्रपति। नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। भारत रे 15 लाख रु अधिक स्कूल पाकापाकी 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 कोटि रु अधिक विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करा जाउछि। तेणु भारत स्कूल शिक्षा व्यवस्था विश्वर अन्यतम सबुठ बड़ शिक्षा व्यवस्था। यही अवसर में शिक्षक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धार सह स्मरण करथिले राष्ट्रपति। दिल्लीर विज्ञान भवन में आयोजित उत्सव में शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रमंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित रही केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। अपराह्न में सम्मानित शिक्षक मानक वार्तालाप करथिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। शिक्षा प्रति शिक्षक मानकर उच्चर्गीकृत मनोभाव को प्रशंसा करथिले। आप सबके बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है। देशर विभिन्न राज्यरु 45 जना कृति शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान ने सम्मानित करा जायतिला, जेउथिरे ओडिसा रो पुरी जिला निमापड़ा अंचल रो शिक्षक ईश्वर चंद्र नायक स्थान पाइथिले। यहाँ निमापड़ा अंचल रे खुशी और उत्सव माहौल देखा मिलता। निहत भारे एक खुशी रो समय, गर्वर समय, शिक्षक जीवन सार्थकतार समय। बहुत खुशी लगुच, आनंद लगे। पिला भितर मुझे हजि जाए और पाठ पढ़ कि भल नागरिक हे समाज देशर ना कि एन पी 2020 बर्तमान चली जदि प्रकृति में इम्प्लीमेंट भल भाव हुए तो निहत भाव में आगामी दशंधि भितर भारत में गोटे शिक्षार विप्लव आस मोर विश्वास। भारत द्वितीय राष्ट्रपति शिक्षक दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन जन्मदिवस सेप्टेम्बर 5 को गुरुदिवस भावे पालन करा बेले प्रत्येक वर्ष कृति शिक्षकों राष्ट्रीय सम्मान में सम्मानित करा। दिल्ली रु गगन विश्वाल, निमापड़ा रु कालूचरण साहू को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।